वेलकम टू स्टडी आई क्यू आम अमित वरी किलोर लक्ष्मीकांत की इस सीरीज में हम लेक्चर नंबर 51 पर पहुंच चुके हैं जिसमें हम पार्ट 9 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर नंबर 51 51 और द द स्टेप ऑफ जर्नी इज ऑलवेज वेरी स्पेशल क्योंकि दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट वेयर योर पास्ट बिकम्स लॉन्गर देन योर फ्यूचर राइट यानी कि आज से पहले हम जब जर्नी की तरफ बढ़ रहे थे सो so, जितने कदम लेने थे वो जितने कदम ले चुके हैं उससे ज्यादा थे इन एवरी जर्नी द फिफ्टी फर्स्ट स्टेप फिफ्टी फर्स्ट स्टेप के बाद आपका पास्ट आपके फ्यूचर से लंबा होने लग जाता है यानी कि विद एवरी स्टेप इट्स विल बी डिक्लाइनिंग एंड हेंस यूजुअली मुझे फिफ्टी फर्स्ट स्टेप जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बदल जाता है इसके बाद सो so, हीरोन लेट स्टार्ट विद द पार्ट नाइन्थ दुनिसिपैल्टीज राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक बार ये देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लक्ष्मीकांत की क्लास को करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमने उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हमारा संविधान बना कैसे था ये सारी की सारी चीज डिस्कस कर ली है देन वी स्टार्टेड इट जम्प क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है पार्ट वन टू थ्री फोर फोर थे राइट फर्स्ट रिलेटेड है स्टेट्स और टेरिटरी से रिलेटेड सेकेंड रिलेटेड है सिटीजनशिप से थर्ड फंडामेंटल राइट से फोर्थ डीपीएसपी से और फोर्थ है फंडामेंटल ड्यूटी से एसोसिएटेड है हमने पांचों के पांचों पार्ट किए देन फ्रॉम देर ऑन वी वेंट टू दार्ट ट्वेंटी एथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें अमेंडमेंट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में बताते हैं एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपेरेटिव एंड मोस्ट परटिनेंट कॉन्सेप्ट

ये करने के बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लंबा और सबसे डेंस पार्ट है पार्ट फाइव एंड पार्ट सिक्स भी हम दोनों के दोनों कंप्लीट कर चुके हैं उसमें से कुछ स्लाइटली टॉपिक्स जो बचे हुए हैं बट हम उसको रेलिवेंट टाइम पे करेंगे पार्ट फाइव रिलेटेड टू द रिलेट्स टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्ट सिक्स रिलेट टू द स्टेट गवर्नमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट भी आ चुका है और इसमें जुडिशियरी के कॉन्सेप्ट में हाई कोर्ट भी आ चुका है राइट वी आर डन विद इट हमारी जो गवर्नेंस है हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 30-40 साल के बाद एक और उसमें एक इंपॉर्टेंट एडिशन किया था 1993 से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय राज्य व्यवस्था के सिर्फ दो टीयर हैं राइट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड उसके बाद बेसिकली लोकल गवर्नेंस के अलग अलग बट पूरे के पूरे स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज एग्जिस्ट करते थे उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन किया गया सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यानी कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल तीन टीयर की गवर्नेंस एग्जिस्ट करती है सबसे ऊपर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद स्टेट के लेवल पर करती है स्टेट गवर्नमेंट एंड देन इसके नीचे करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और दी द्युनिसपालिटीज भाई जो गांव वाले इलाके हैं वहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है और जो अर्बन इलाके हैं जो शहरी इलाके हैं उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है उसको मुंसिपैलिटी कहा जाता है ठीक है म्यूंसिपैलिटी मुंसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम अलग अलग नाम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज

एड किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9th ए एड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें आर्टिकल नंबर अब ये ओ पे खत्म होता है उसके बिल्कुल एग्जैक्टली बाद स्टार्ट हो जाता है 243 पी से 243 जेड जी तक दोनों को वैसे जेड जी, जी कह सकते हैं जेड जी तक इसमें टोटल 18 आर्टिकल्स है ठीक है प्राइमरली स्पीकिंग जो रूरल वाले हैं वही बेसिकली अर्बन वाले में है कॉमन मैन एक दो और एक्स्ट्रा एडिशन दिया हुआ है ज्यादा कोई फर्क नहीं है उसके अंदर ये इलेवंथ शेड्यूल के बाद ये बार शेड्यूल एड कर देता है यानी म्यूनसिपैलिटीज किन किन सब्जेक्ट को गवर्न करती हैं किन किन सब्जेक्ट्स पे उनकी गवर्नेंस पावर है वो बारहवें शेड्यूल के अंदर दी गई है आज हमारा उद्देश्य होगा सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एक्ट करना क्योंकि सेवेंटी थर्ड वाला जो है वो हम कर चुके हैं जस्ट टू गिव अ बेसिक रिविजन बिकॉज ये दोनों के दोनों टॉपिक इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से एसोसिएटेड है पंचायती राज सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा था और हम इंडिपेंडेंस के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो एवोल्यूशन है उसमें हम आप बुक में देखोगे तो कई सारी कमिटीज के नाम दिए गए हैं ठीक है थीके? अगर स्पेसिफिकली पबेड या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तब तो वो याद करनी है अगर पॉलिटी के हो तो आपको सिर्फ नाम जनरल याद होने चाहिए जैसे कि बी आर मेहता कमेटी है राव कमेटी सिंघवी कमेटी थंगन कमेटी गदगिल कमेटी इस बात को बस ध्यान रखिए कि ये पांचों के पांचों जो वर्ड्स हैं इं, इंडिविजुअल्स के जो नाम है दे आर एसोसिएटेड विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कमेटी मतलब

पार्ट ऐड कर दिया 243 से 240 और तक और शेड्यूल 11 ऐड कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पंचायती राज कैसे कैसे होना चाहिए थ्री टीयर पंचायती राज स्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए ये उसके बारे में बताता है और शेड्यूल 11 कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर वो गवर्न करते उसके बारे में बताता है ग्राम सभा सबसे पहले एक बेसिक है कि हर विलेज का जो भी आदमी इलेक्ट्रल रोल में रजिस्टर्ड uh, है वो दैट इज पार्ट ऑफ अ ग्राम सभा और वो ग्राम सभा चुनती है तीन टीयर स्ट्रक्चर जो कि हम जानते हैं जिसको सबसे लेवल पर सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर कहते हैं ग्राम पंचायत उसके बाद ब्लॉक लेवल पर मंडल आंचलिक जनपद तालुका अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम बट दे मीन द एग्जैक्टली सेम थिंग ये सेकेंड लेवल पर और जिला परिषद और पंचायत सबसे टॉप पर जो डिस्ट्रिक्ट में होती है उसको जिला परिषद जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहा जाता है यह है हमारा थ्री टीयर स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ठीक है अब इंटरेस्टिंगली वाली बात है कि सिमिलरली इसी चीज को हम आगे म्युनसिपैलिटी में भी करेंगे लेकिन म्यूनसिपैलिटी में थ्री टीयर स्ट्रक्चर नहीं होता है देर इज स्लाइटली डिफरेंस इन दैट तो इस बात पर ध्यान रखना यह इंपॉर्टेंट वाला चलिए आगे आने पे ही बताऊंगा एंड पंचायती राज में हमने ये पढ़ा कि कुछ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो हमनेटी थर्ड एंड दी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो एरियाज होते हैं दोनों पे फिफ्थ एंड दिक्कत शेड्यूल एरियाज पर सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट नहीं अप्लाई होता इट्स अ वेरी सिंपल थिंग राइट इसको याद करने के लिए आप यू शुड अंडरस्टैंड इट इट्स अ वेरी अंडरस्टैंडिंग थिंग सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल पर नहीं लगता है अब इस चीज के अंदर जो ये शेड्यूल था इस पर सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट लगाने के लिए एक नया कानून बनाया गया पेशा एक्ट इसको कहते हैं एक्सटेंशन एक्ट पंचायत राज एक्सटेंशन एक्ट टू शेड्यूल एरियाज ये सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल के लिए है सिक्स के लिए नहीं है कंफ्यूज नहीं होना आई होप मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कभी कभी ये बात सुनकर सो आई कैन एक्चुअली हैव एमपथी विद यू सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ डजेंट अप्लाई टू फिफ्थ एंड सिक्स इन दोनों पर अप्लाई नहीं होता है ठीक है दोनों शेड्यूल में कुछ एरियाज दिए गए हैं ठीक है इसमें है ए एम एम टी एरियाज और इसमें टोटल दस स्टेट्स हैं बाकी बची हुई ठीक है असम त्रिपुरा ये वाला ये जो नॉर्थ ईस्ट चार स्टेट्स हैं वो सिक्स शेड्यूल में कुछ एरियाज हैं उनके शेड्यूल ट्राइब्स के जो कि ऑटोनोमस है वो अपनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के उनको गवर्न करते हैं उनके पास लेजिस्लेटिव फिनेंशियल एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की भी पावर होती है उस ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल के पास ओके एंड देन फिफ्थ शेड्यूल में कुछ एरियाज हैं जो कि दस स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज डोमिनेटेड एरियाज हैं जहाँ पे गवर्नर को स्पेसिफिक पावर्स हैं यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स नहीं है बट गवर्नर गवर्नर जो होता है स्टेट का उसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं उनको गवर्न करने के लिए या उनका भला मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए उनको डेवलप करने के लिए ठीक है है तो 73rd उस पर पर फिफ्थ भी नहीं हो रहा सिक्स पर भी नहीं हो रहा है पेसा एक्ट सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ शेड्यूल के लिए है राइट ओनली फॉर फिफ्थ शेड्यूल कंफ्यूज ना होना इसलिए ये पेसा एक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पांचवे शेड्यूल के एरियाज पे सिक्स्थ सिक्थ वहां पर जो ऑटोनोमस ट्राइबल सिस्टम चलता है वो वही है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है किसी भी एक्ट के द्वारा डन और उसके बाद पंचायती राज के बेसिकली फिनेंसिस पैसे कहां से आते हैं ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर सी चीज़ें हमें बेसिकली हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ के कॉन्सेप्ट में भी करनी है ट्रीमेंडसली ईजी बहुत ही आसान दो तीन छोटे मोटे इसके क्या कहते हैं एवोल्यूशन में म्यूनसिपैलिटीज़ uh, के एवोल्यूशन के कुछ हमें हिस्ट्री में छोटा थोड़ा बहुत पढ़ना है अंग्रेजों ने क्या किया था फ्रॉम देयर ऑन हमें स्ट्रक्चर देखना है कि इन्होंने स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है अर्बन लोकल गवर्नमेंट राइट सेवेंटी थर्ड इज रूरल लोकल गवर्नमेंट किसी भी अर्बन एरिया की गवर्नेंस के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो भी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको कहा जाता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट बाय एन अगेन इंडिया में क्योंकि स्पेसिफिकली स्पीकिंग डेमोक्रेसी लोकतंत्र है तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी ऐसा कुछ हो वो इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही किया जाए सो थ्रू देयर इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव सिमिलरली बिल्कुल रूलर के साथ उसको रिवाइज भी करते रहेंगे पंचायती वाले के साथ ठीक है देखो अगर चाहें तो गवर्नमेंट अर्बन लोकल गवर्नेंस यानी किसी शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी आईएएस को भी दे सकती है एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को भी दे सकती है डायरेक्ट हाउएवर दैट वुड नॉट बी लोकल गवर्नेंस वो इलेक्टेड रेप्रेजेंटेटिव के द्वारा नहीं वो सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी uh, के द्वारा होगा राइट सो देर इज अ स्लाइट डिफरेंस तो रूट में डेमोक्रेसी को लोगों तक डेमोक्रेसी पहुंचाने का क्या तरीका है कि दोनों अर्बन और लोकल एरियाज में जो गवर्नेंस हो वो उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा हो जो लोगों ने चुने हैं

टॉपिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे देश में आठ टाइप ऑफ अर्बन लोकल ट्रस्ट और स्पेशल पर्पज एजेंसी यू विल डू ऑल एट इन आठो में क्या फर्क होता है और स्पेसिफिकली सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या रिलेटेड है लेट्स डू दैट ज्यादा कंफ्यूजन ना हो अर्बन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया है जो आज हम जिसको करने के लिए बैठे हैं सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा स्पेसिफिकली रूरल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया 73 के द्वारा अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात को याद रखना है अर्बन लोकल गवर्नमेंट टोटल तीन मिनिस्ट्रीज हैंडल करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द यूनियन टेरिटरीज देखिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के टाउन की अलग अलग होती है ठीक है आर्मी के मिलिट्री के कुछ टाउन्स हैं जिनको कैंटोनमेंट एरियाज कहा जाता है तो उनको सिविलियन लोग नहीं करते हैं मैनेज उनको स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कैंटोनमेंट बोर्ड्स को मैनेज किया जाता है अगेन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स स्पेसिफिकली यूनियन टेरिटरीज के करती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बाकी बेसिकली नॉर्मली अगेन किसी भी पूरे देश में जो भी शहर का इलाका होगा वो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के कॉन्टेक्स में होगा नाव दिस इज अ वेरी सिंपल प्रिलियंस क्वेश्चन बड़ा ही प्यार प्रिलिम्स का क्वेश्चन है अगर आप इसको याद कर सके तो थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा बिकॉज दिस पैरल कॉन्सेप्ट डिड नॉट अप्लाई टू दी सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पर ही अप्लाई नहीं होता था ठीक है अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डेल्ट विद द थ्री मिनिस्ट्रीज हिस्टोरिकली ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू बट सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कि भारत में सबसे पहले कैसे स्टार्ट हुआ था अगेन मुगल्स के समय में ना अर्बन का ना रूरल का ऐसा कोई नहीं करता था दो आप उस समय सोच सकते थे कि जो गांव होगा तो उसको शहर का नाम दिया जा सकता था बट ऐसी ब्यूरोक्रेटिक डेजिग्नेशन नहीं पड़ती थी अगेन एज यूजल लाइक एवरीथिंग बट वी आर लिविंग विद ये इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटिशर्स ने सिक्सटीन में फर्स्ट मुंसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जो कि मद्रास में बनी थी मद्रास उस समय चेन्नई को मद्रास कहा जाता था 1688 में और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली करके इन्होंने बॉम्बे और कलकत्ता में 1746 में मुंसिपल कॉरपोरेशन बना दी नॉट एन बात हम आ जाते हैं सीधा 1870 में 200 साल के बाद लॉर्ड मायो

वेट ऑफ देयर शोल्डर उन्होंने क्या किया 1870 में फिनेंशियल डिस डिसेंट्रलाइजेशन के लिए उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना स्टार्ट किया दैट इज इसको एक कहा जाता है लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन इसमें स्पेसिफिकली जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज थी जैसे इन्होंने मुंसिपल कॉपोरेशन तो ब्रिटिशर्स ने पहले बना ही दिए हैं मद्रास में बन चुके हैं बॉम्बे और कलकत्ता और कई एरियाज में बन गए थे फिर इन्होंने कुछ कैंटोनमेंट टाउन मिलिट्री वाले जो टाउन थे वो भी सेटअप किए थे उनमें भी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हुआ करती थी उनको कुछ कुछ फिनंसिस और टैक्सीज रेज करने की पावर दे दी थी लॉर्ड मायो के इस अठारह के रेजोल्यूशन के बाद द आइडिया वॉज कि वो सेल्फ सफिशियंट हो जाए तो हमारे ऊपर से थोड़ा सा हैवी वेट उठ जाएगा इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन विच इज री इंपॉर्टेंट पर्सन एज फार लोकल सेवर्ट इन सो इंपॉर्टेंट दिल्ली अठारह सो बयासी में लॉर्ड रिपन ने अठारह सो बयासी में एक रेजोल्यूशन दिया जिसमें इन्होंने कहा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उसमें टू बाई थर्ड नॉन ऑफिशियल होंगे इलेक्टेड लॉर्ड मायो ने भी किया था इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज उसमें से कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए राइट right? तो एक बिगनिंग की थी बट लॉर्ड रिपन का जो अठारह का रेजोल्यूशन था उसने बेसिकली फाइनलाइज कर दिया इसीलिए इसको ये जो अठारह का इसका रेजोल्यूशन था इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है Indeed, the Indian national movement picked up this concept from there only. Indian national movement में दो तरीके से आया था। एक तो historically speaking, Indian society और culture में पिछले 1000-2000 हजार हजार साल से पंचायत का concept, जो government जो uh, village थी, village अगर आप देखोगे historically, इतना तो self-sustaining unit की तरह काम करता रहा है, usually। ठीक है, उनका judiciary, उनका executive, legislature, उनका जो law था, वो customs पर होता था, technically legislature पर नहीं, customs पर जो traditions से उनके ऊपर law maintain करता था, और जो पंचायत्स ह

िस डिसेंट्रलाइजेशन के लिए यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है वो तो सोलह से एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दी है बट उसमें फिर उनको टैक्स रेज करने की कुछ पावर्स दी लॉर्ड मायो ने एंड देन इन एटीन लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन ने बेसिकली फॉर्मलाइज कर दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बाय बाई से टू बाई थर्ड गवर्निंग बॉडीज शेल बी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे उस समय अगेन ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से पावर देते नहीं है छोड़ते नहीं थे बट स्टिल इट बिगिन द आइडिया राइट मैग्ना कार्टा का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ परफेक्ट हो जाना मैग्ना कार्टा इज बेसिकली द बिगनिंग भाई 1215 में इंग्लैंड के राजा ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया उस डॉक्यूमेंट में यह लिखा हुआ था कि जो इंग्लैंड के अमीर एरिस्टोक्रेट्स हैं रिच पीपल हैं कुछ आ, समझ लो 400 500 600 के करीब लोग हैं ठीक है इनके कुछ राइट्स हैं जिनको मैं नहीं लूंगा ये बात करता है राजा ठीक है अब ये बहुत ही बेसिक चीज है अगर आप नोटिस करोगे तो देआर रिच पीपल बिलेनियर्स टाइप के अपने 1215 के बिलेनियर्स समझ लो और किंग ने बस ये साइन करके बोल दिया कि ठीक है आपके कुछ छोटे मोटे अधिकार हैं और मैं उनको कभी नहीं लूंगा उस चीज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द मॉडर्न फंडामेंटल राइट का मैग्ना कार्टा बारह में बना था राइट सो इट वॉज नॉट की उस दिन से मैग्ना उस दिन से फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो गए इट स्टिल टेक्स मोर देन सिक्स हंड्रेड इयर्स बाकी फाइनली जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंडिपेंडेंस uh, की लड़ाई के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसमें जो बिल ऑफ राइट्स है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1688 की जो ब्रिटिश रेवोल्यूशन है ये सारी की सारी ओवर अ पीरियड ऑफ हंड्रेड्रेड हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स बेसिकली मॉडर्न फंडामेंटल राइट्स को शेप देती है बट जो बिगनिंग थी उसको कहा जाता है दैट इंपॉर्टेंट इवेंट जहां से चीजें स्टार्ट होती है द मैग्ना कार्टा सिमिलरली ऐसा नहीं है कि लॉर्ड रिपन ने बड़ी अच्छी लोकल सेल्फ गवर्नेंस सब कुछ कर दी थी बट ही बिगेन एनहेंस इस चीज को कहते हैं मैग्ना कार्ट ऑफ दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड उसकी बात इंपॉर्टेंस है इतनी इंपॉर्टेंस है कि उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहा जाता है उसके बाद हमारा 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट की तरह डिक्लेयर कर दिया था अगेन इट्स प्रिलिम्स हिस्ट्री क्वेश्चन प्रिलिम्स पॉलिटी क्वेश्चन मेरा सवाल इंपॉर्टेंट वाला जो कि मैं कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैं आपसे पूछना भी चाहता था द क्वेश्चन इयर इज दैट कि शेड्यूल सेवन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक लिस्ट में टॉपिक है प्लीज फाइंड आउट मेक श्योर दैट यू नो कि कौन सी लिस्ट में है तीन लिस्ट है ना शेड्यूल में एक तो यूनियन लिस्ट एक स्टेट लिस्ट एक कंकरेंट लिस्ट उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किस टॉपिक में दी गई है

एक्ट क्या करता है ये तो हम बात याद कर चुके हैं न्यू पार्ट नाइन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नाइन एक्स्ट्रा किया हुआ है ठीक है कहां से कहां तक है आर्टिकल आर्टिकल नंबर नंबर पी से लेके जी तक जो इसके अंदर टोटल अठारह आर्टिकल्स है अगेन नॉट एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट बट जस्ट टू गेट एन आइडिया कितना बड़ा पार्ट है पंचायती में सोलह है और इसमें अठारह है सेम टू सेम कॉमन है अगर आप उनके नाम अब उनके टाइटल पढ़ोगे तो अच्छा एक्ट इसके बाद ट्वेल्थ शेड्यूल भी ऐड कर देता है क्यों क्योंकि उसमें भाई इलेवंथ शेड्यूल ऐड किया है इसमें ट्वेल्थ शेड्यूल किया है और उस ट्वेल्थ शेड्यूल में अठारह टॉपिक्स दिए गए हैं अठारह फंक्शनल आइटम्स ठीक है कि जिनके ऊपर म्यूनसिपैलिटीज गवर्न कर सकती हैं इजी है ऑब्जेक्टिव डेटा है वी कैन इजिली रिमेंबर इट नॉट अ क्वेश्चन ये एक्ट सिपैल्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है यानी कि जो म्यूनसिपैलिटी है वो संविधान में लिखी गई है ऐसे अलग से किसी ने मजे में नहीं बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है स्टेट्स की मुंसिपैलिटीज बनाना उनके इलेक्शंस करवाना हर पांच साल में जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की है इट हैज ब्रॉड अंडर द परव्यू ऑफ द जस्टिशियबल पार्ट जस्टिशियबल का मतलब नहीं होगी तो कोर्ट में केस चला जाएगा ठीक है अगर कोई स्टेट म्यूनिसपालिटी नहीं बनाएगी तो ये स्टेट के लिए प्रॉब्लम है ये तो असंवैधानिक काम हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द द द द न्यू सिस्टम ऑफ ऑफ इन विद पार्ट ए एंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है क्या है सबसे पहले इन्होंने किया क्या अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पैरल में म्यूनसिपाल हम पढ़ रहे हैं और दिट इज अ वेरी स्लाइट इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन दम तो उसको फोकस करो देखो ये क्या करता है एक्ट बोलता है कि देश के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ मुंसिपैलिटी होनी चाहिए एक नगर पंचायत मुंसिपल काउंसिल और म्युनिसपल कॉर्पोरेशन फर्क क्या बताना ध्यान रखना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो है थ्री टीयर तीन लेवल हैं और यह है थ्री टाइप राइट right? ये म्यूनिसपैलिटीज जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो है थ्री टाइप तो वहां पर थ्री टाइप थ्री टीयर में क्या होता है ग्राम पंचायत हो गई इंटरमीडिएट पंचायत हो गई और उसके बाद जिला पंचायत हो गई ठीक है एक दूसरे के ऊपर है हायरकल है ये थ्री टाइप में हायराकल नहीं है डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द अर्बन एरिया कहीं पर नगर पंचायत कहीं पर मुंसिपल काउंसिल और कहीं पर कॉर्पोरेशन दे आर नॉट हाइर टू ईच अदर ओके वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्योंकि दोनों में तीन है तो ऐसा लगता होगा कि पैरल ही होनी चाहिए सेम टू सेम चीज होनी चाहिए इज स्लाइट डिफरेंस अंडरस्टूड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर थ्री टीयर यानी हाईराल सबसे नीचे ग्राम पंचायत है उसके ऊपर इंटरमीडिएट पंचायत है और सबसे ऊपर जिला पंचायत है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड और इंटीग्रेटेड है सिपालिटी तीन टाइप की होती है टीयर की नहीं होती है एंड टाइप का मतलब डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया ट्रांजिशनल एरियाज जो होते हैं वहां पर नगर पंचायत बनेगी जो स्मॉलर अर्बन एरियाज है वहां पर स्मॉलिपल काउंसिल बनेगी और जो लार्जर अर्बन एरियाज है वहां पर मुंसिपल कॉरपोरेशन बनेगी अगर आप लोग किसी शहर में रहते हैं इफ यू पीपल आर जो इस समय जो शहरी आदमी है वो जो देख रहा है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर टाउन साइज ऑफ योर सिटी यू कैन गेस कि बेसिकली कौन आपके वहां पर कौन सी लोकल अर्बन लोकल गवर्नेंस का इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है इफ यू आर इन डेली इफ यू आर इन मुंबई मतलब कि जो बड़े बिग अर्बन एरियाज है वहां पर मुंसिपल कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करती है अगर आप ऐसे किसी टाउन में रहते हैं जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो वहां पर मुंसिपल काउंसिल एक्ट करती है और बाकी ऐसे ट्रांजिशनल एरिया जो कि कुछ समय पहले रूरल हुआ करते थे अभी अर्बन है लेकिन फुल फ्लेजेड टाइप के भी अर्बन नहीं है पॉपुलेशन एक लाख से कम है पच्चीस हजार से ज्यादा है वहां पर बनती होगी नगर पंचायत इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन भी है जहां पर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होती है वहां पर जरूरी नहीं है इन तीनों में से किसी एक को बनाना वहां पर स्पेसिफिकली म्यूनसिपैलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप का नाम दे दिया जाता है हम इसके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे अलग अलग ठीक है अभी बीच में यहाँ पे दिमाग को तो, मतलब पहले सबसे पहले द सिंपल स्केफोल्डिंग बनाने की जरूरत ज़्यादा होती है सो फॉरगेट अबाउट इट अभी इस समय सिर्फ ये बात ध्यान रखो कि टोटल तीन टाइप की म्यूनसिपैलिटीज हैं डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द अर्बन एरिया द बिग ह्यूज जो बड़े टाउन हो गए आप ये देख लीजिए क्या नाम हो गए चेन्नई हो गए बैंगलोर हो गया अपना मुंबई हो गया अपना दिल्ली हो गया जो बड़े बड़े हो गए वहां पर मुंसिपल कॉपरेशन एग्जिस्ट करेगी जो छोटे टाउन है दस लाख से कम जहां पर पॉपुलेशन है वहां पर मुंसिपल काउंसिल एंड द ट्रांजिशनल अर्बन एरिया कहीं पर रूरल की भी फीलिंग आएगी वहां पर थोड़ा शहरी भी फीलिंग आएगी वो नगर पंचायत से नाम में अगेन एज यूजल बिकॉज वी हैव ए कंट्री जो कि इन इट सेल्फ इज ए मतलब मिक्सचर ऑफ सेवरल सेवरल काइंड ऑफ कंट्रीज मतलब इतने सारे इतनी वाइड डाइवर्सिटी है तो अलग अलग नाम अलग अलग जगह पर बोलते हैं तो अब यहाँ पर पहचानोगे कि आपके वहाँ पर जो अर्बन लोकल बॉडी है या तो उसको मुंसिपल कॉपोरेशन कहते होंगे इसी चीज को नगर निगम कहा जाता है यही चीज है नगर निगम और इसी चीज को महानगर पालिका भी कहा जाता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ बड़े टाउन्स के लिए, लार्ज अर्बन एरिया के लिए एंड देर आर मुंसिपैलिटीज मुंसिपैलिटी काउंसिल नगर पालिका नगर परिषद ये सेकेंड लेवल नहीं है याद रखो दिस इज नॉट ऑन लेवल्ड दिस इज नॉट ऑन टीयर ओके एक दूसरे के टीयर पे नहीं है ये टाइप है अलग अलग एंड देन देर इज थर्ड जो कि टाउन पंचायत या नगर पंचायत दिस माइट गेट कंफ्यूजिंग, इट एक्चुअली इज वेरी वैलिड टू गेट कंफ्यूजिंग, क्योंकि पंचायत इज अ वर्ड विच इज मच मोर अप्रोप्रिएटली रिलेटेड टू दी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये जो दोनों के दोनों सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन है ना इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है सो so, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ेगा कि द वर्ड इज नॉट द पंचायत द नगर और द टाउन सिटी पंचायत नगर पंचायत टाउन पंचायत ये अर्बन लोकल गवर्नेंस रिलेटेड है डेफिनेटली वो नाम बदल सकते थे देश शुड हैव गॉन विद डिफरेंट नेम एंड देर आर सम डिफरेंट नेम्स। बट हाँ ये कंफ्यूजन का बोली पूरी की पूरी संभावना है आप लोगों के लिए कि सर नगर पंचायत है तो मतलब ये तो सेवेंटी थर्ड बट अब तुमको आइडेंटिफाई हो गया है तो ये गड़बड़ मत करना कभी भी प्रिलिमस में दोनों के दोनों म्यूनसिपालिटीज और पंचायत हैं इनको कॉमनली कहा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ओके okay? दोनों को मिलाकर सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो है उनको मिलाकर ऊपर एक ओवर आर्किंगली कहा जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द वर्ड पंचायत अप्रोप्रिएटली इज एसोसिएटेड विद दी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम सभा है ग्राम पंचायत है इंटरमीडिएट पंचायत है डिस्ट्रिक्ट पंचायत है या जिला पंचायत है बस अब यहां पर इंपॉर्टेंट यह वर्ड आपको कन्फ्यूज कर सकता है कि जो सबसे छोटे लेवल की म्यूनिसपैलिटी होती है उसको भी नगर पंचायत कहा जाता है या नगर काउंसिल भी कह सकते हैं यहां पर होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत उसका नाम होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो सबसे टॉप पर होती है और इधर होता है नगर पंचायत Now you have to identify, को ध्यान रखना है कि टाउन सिटी नगर ये स्पेसिफिकली फोर्थ एंड डिस्ट्रिक्ट जिला ये बेसिकली सुनने में तो डिस्ट्रिक्ट ऐसा लगता है इसको होने मत देना अच्छा एक और इंपॉर्टेंट प्रिलिम से रिलेटेड डेटा बताता हूँ मैं आपको दो का जो सेंसस है वो डिफाइन करता है कि अर्बन एरिया कौन कौन से होते हैं राइट अर्बन एरिया होता क्या है दैट कम्स विद डेफिनेशन ब्यूरोक्रेसी ब्यूरो पे काम करती है तो अर्बन एरिया होता क्या है हमारे देश में दो प्रकार के अर्बन एरियाज है एक तो हो गए स्टेटूटोरी एक कहा जाता है स्टेटूटरी टाउन्स और एक होता है सेंसस टाउन्स ओके समझिए इन दोनों में फर्क क्या है स्टेटूटोरी टाउन्स का मतलब लॉ स्टेटरी का मतलब स्टेट्यूट कानून जो होता है यानी जो नोटिफाई किया हुआ गवर्नमेंट में कि दिस इज एन अर्बन एरिया ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि बाय बाई दूस ठीक है तो ये जो अर्बन एरियाज़ जिसको लॉ के द्वारा डिफाइन किया गया है कि अर्बन एरिया वहां पर भाई मुंसिपल कॉर्पोरेशन म्युनसिपालिटी कंटोनमेंट बोर्ड नोटिफाइड टाउन एरिया नगर पालिका बनेगी ही बनेगी टाउन पंचायत अगेन पंचायत इज अ वर्ड जो कि कंफ्यूज नहीं होना है टाउन बोले तो टाउन सिटी नगर पंचायत ये तीनों के तीनों एक प्रकार की म्यूनसिपैलिटी होती है या अपने अमेंडमेंट में आते हैं कंफ्यूजिंग है नो डाउट अबाउट इट बट एक बार आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर मुश्किल नहीं आएगी ठीक है तो स्टेटूटोरी टाउन का मतलब कि नोटिफाई किया हुआ अर्बन एरिया याद रखिए नोटिफाई किया हुआ अर्बन एरिया जिसको गवर्नमेंट लॉ में लिख देती है कि दिस इज एन अर्बन एरिया इन स्टेटूटरी टाउन पर सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लगता है देश में ऐसे चार हजार इकतालीस टाउन है यानी कि अगर टोटल अर्बन लोकल बॉडीज निकालोगे तो देश में चार हजार इकतालीस निकलेंगी सिंपल लॉजिक है ना जितने टाउन है उतनी अर्बन लोकल बॉडीज होंगी चाहे बड़ा टाउन है तो मुंसिपल कॉर्पोरेशन होगी छोटा टाउन है तो मुंसिपैलिटी होगी और सबसे छोटा टाउन है तो नगर पंचायत या टाउन पंचायत होगी ठीक है ऐसे टोटल कितने हैं चार हजार इकतालीस तो ये तीनों मिलकर हमारे देश के अंदर ये जो तीनों है टोटल चार हजार इकतालीस है डन क्लियर बात हो गई इसमें इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि होता टाउन है लेकिन उस पर ये म्युनसिपैलिटीज नहीं होती है जिसको कहा जाता है सेंसस टाउन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो कि इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो कर दे ठीक है कौन कौन सा पांच हजार से तीनों क्राइटेरिया इकट्ठे साइमलटीरियस तीनों क्राइटेरिया मिलने चाहिए अगर एक भी होगा तो उसको सेंसस टाउन नहीं कहा जाएगा तो क्या है मिनिमम पांच हजार लोग होने चाहिए उस जगह पर रहते हुए सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ दैट पॉपुलेशन मस्ट बी एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर परसुईट

एंड अगर उस एरिया की जो डेंसिटी है वो 400 लोगों से अधिक है 400 परसेंट पर किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है तो ऐसे एरिया को डेजिग्नेट किया जाता है सेंसस टाउन सो वी गॉट दिस क्लियर ना दो क्लासिफिकेशन है इंडिया में अर्बन एरियाज की एक वेरी इंपॉर्टेंटली कहा जाता है स्टेटूटोरी टाउन्स यानी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती है कि ये अर्बन एरिया है यहां पर अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लगता है गॉट इट क्लियर कट एंड देन देर इज समथिंग कॉल्ड ए सेंसस टाउन जिसको अर्बन एरिया माना जाता है मतलब अगर आपसे कहोगे कि इंडिया में कितने अर्बन एरिया है दिस बी कंसिडर्ड अर्बन ओके सेंसस टाउन इज एन अर्बन एरिया जिसका एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट का कि पॉपुलेशन 5,000 से अधिक होनी चाहिए 75% परसेंट ऑफ जो लोग हैं वहां के रहने वाले मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन में होने चाहिए और वहां की पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए अगर ये तीन कंडीशन मीट हो जाती है तो ऐसे टाउन को सेंसस टाउन कह दिया जाता है बट इन दोनों में फर्क ये है कि जो सेंसस टाउन होता है ये पंचायती राज पर ही चलता है यह है सेवेंटी थर्ड यहां पर ग्राम सभा ही कॉन्सेप्ट ग्राम पंचायत का ही कॉन्सेप्ट चलता है अर्बन लोकल बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्टेटूटोरी टाउन पे एग्जिस्ट करती है यानी कि अभी हमारे देश में 4,041 के करीब जो स्टेचुटोरी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है सेंसस टाउन्स में जो नॉर्मल पंचायत वाला जो सिस्टम है गांव वाला जो सिस्टम है वही लगता है इंडीड ये एक बहुत बड़ा वैलिड क्वेश्चन भी है।, है तो ये अर्बन एरियाज ये अर्बन एरियाज होते हैं पांच कई बार बीस बीस पच्चीस पच्चीस हज़ार लोग हो जाते हैं एंड टेक्निकली वो फुल फ्लेजेड अर्बन एरियाज होते हैं परंतु उनकी गवर्नेंस अभी भी लोकल गवर्नेंस यानी रूरल गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट चलती है एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट इज़ उनकी दैट इज़ अ वेरी स्लो स्लो चेंज टू दुनिसिपैलिटी गवर्नमेंट टेक टाइम्स टू डिफाइन दिज सेंस टाउन एज स्टेटोरी टाउन कई तो ऐसे होंगे जो कि फुल स्टेटुटोरी टाउन के डेफिनेशन में आते होंगे लेकिन उसके बावजूद भी नहीं है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा तो अब क्या हो गया स्टेचुटोरी टाउन में स्पेसिफिकली Primarily speaking, चार टाउन आते हैं एक तो ये वन, बोले तो ये बोले नगर निगम यानी कि जो सबसे बड़े सोचो मुंबई दिल्ली जो जो है 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 ठीक है। दूसरे मुन्सिपल्ती, मुन्सिपल्ती मुन्सिपल बोर्ड, मुन्सिपल ठीक दूसरे नगर परिषद पर है छोटे टाउन एक लाख से अधिक दस लाख से कम ठीक है और उसके बाद देर आर टाउन एरिया कमेटी एंड दोटिफाइड एरिया कमेटी अब धीरे धीरे क्या किया ये दोनों तो कंप्लीटली इलेक्टेड होते हैं ठीक है ये दोनों कभी पार्शियली इलेक्टेड पार्शियली नॉमिनेटेड होते थे सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि जो एक टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया कमेटी के जो अर्बन एरियाज जो होती थी मतलब कि टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी क्या होता है देर इज अ टाउन और उसको मैनेज करने के लिए एक कमेटी है ठीक है टाउन एरिया कमेटी यानी ऐसा टाउन जिसको टाउन एरिया कमेटी मैनेज करती है नोटिफाइड गवर्नमेंट के द्वारा एक एरिया स्पेसिफिकली नोटिफाइड है किसी एक एक पर्पस के के लिए कि कोई इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल जो लोग हैं एक, एक स्टील प्लांट है और उसके सारे एंप्लॉइज एक टाउन में रहते हैं उसको कहते हैं नोटिफाइड एरिया डिफेंस का को कोई नोटिफाइड एरिया उसको मैनेज कैसे करते हैं एक नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा राइट तो ये दो प्रकार के हुआ करते थे इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होते थे और क्या नाम है इलेक्टेड मेंबर भी होते थे सेवेंटी फोर्थ ने क्या किया कि जो ये दोनों वाले कैटेगरी ऑफ टाउन थे ये दोनों इनको भी बेसिकली में बदल दिया अभी एट दिस मोमेंट होने की जरूरत तो नहीं है एट दिस मोमेंट सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा टोटल तीन प्रकार की अर्बन लोकल बॉडीज एग्जिस्ट करती है महानगर निगम मुंसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम भी कह दो इसको कोई समस्या नहीं है महानगर तो स्पेसिफिकली बोल मुंबई दिल्ली बहुत बड़ा हो जाता है उसको महानगर निगम उसके बाद नगर पालिका मुंसिपैलिटी नगर पालिका और जो सबसे छोटे हो गए नगर पंचायत नोटिफाइड एरिया सिटी काउंसिल ओके नेम्स माइट गेट कंफ्यूजिंग बट चिंता की कोई खास आवश्यकता नहीं है एक ही कंफ्यूजन होगी ये पंचायत वर्ड क्यों यूज करते हैं यहाँ पे बाकी कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है फिगर आउट हमारे देश में अर्बन एरियाज जो हैं दो प्रकार के हैं स्टेटरी टाउन्स हैं और हमारे सेंसस टाउन आ गए ठीक है स्टेटूटरी कि जो गवर्नमेंट ने स्टेट्यूट से कानून के हिसाब से जिसको अर्बन बनाया गया है ये है देश के अंदर चार हजार इकतालीस यहां पर कंपलसरी है अर्बन लोकल बॉडीज बनाना कौन सी अर्बन लोकल बॉडीज बनाओगे डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ दैट स्टेटुटरी टाउन दस लाख से ऊपर मुंसिपल कॉर्पोरेशन महानगर निगम बनता है नगर निगम बनता है दस लाख से नीचे हो एक लाख से ऊपर हो तो नगर पालिका यानी म्यूनसिपैलिटी बन जाती है ठीक है और उससे भी नीचे होता है तो फाइनली नगर पंचायत या टाउन पंचायत या फिर सिटी पंचायत या सिटी काउंसिल नोटिफाइड एरिया सिटी काउंसिल सेंसस टाउन भी होता है एक जिसको डेटा के लिए अर्बन एरियाज माना जाएगा सेंसस टाउन ठीक है इस टाउन का मतलब अर्बन हो गया इसमें हमने क्राइटेरिया बढ़ा है 5000 हजार लोग होते हैं 75% प्रतिशत लोग मेल पॉपुलेशन स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल एरिया नॉन एग्रीकल्चरल काम करती है और 400 से स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा उसकी डेंसिटी होनी चाहिए उस एरिया में रहने वाले लोगों की एंड पे उसको सेंसस टाउन पर यहां पे सेंसस टाउन पे पंचायत वाला थ्री टीयर सिस्टम चलता है नॉट द म्यूनसिपैलिटी इस सेंसस टाउन को गवर्नमेंट स्टैट्यूट के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है स्टेटूटरी टाउन और जब स्टेटूटरी टाउन डिक्लेयर हो जाएगा तो वहां से नगर पंचायत जो सॉरी नगर पंचायत नहीं जो ये पंचायती राज वाला जो सिस्टम होता है वो हटा दिया जाएगा एंड देन देल बी डिपेंडिंग ऑन द साइज नगर पंचायत बनेगी या नगर पालिका बनेगी ईजी कूल cool है सवाल ये है अब ईजी आ गया अब ये वही एग्जैक्टली exactly वही सेम कॉपी पेस्ट है जो कि क्या नाम है हमारे पंचायत में था सारे मेंबर इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली हम हमारी इसीलिए म्यूंसिपैलिटी के हो मुंसिपल एरिया सारे के सारे तीनों के तीनों के इलेक्टेड डायरेक्टली होंगे ठीक है उसमें कहते क्या है ये यहां पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते हैं वार्ड आप जो भी शहर में रहते हो वार्ड काउंसिलर के इलेक्शंस के बारे में जानते हो आप एक आपका एरिया होगा एक वार्ड में आता होगा वहां से एक बंदा इलेक्ट होकर काउंसिलर जिसको कहा जाता है वो इस मुंसिपैल्टी मुंसिपल कॉर्पोरेशन या फिर नगर पंचायत का मेंबर बन जाता है ठीक है नो डाउट अबाउट इट स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपैलिटी और ये इसमें नए वाली बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इन द म्यूनसिपाली जो मुंसिपाली बनती है तीनों अब मुंसिपैलिटी इन तीनों चीजों को भी कहा जाता है अगेन काफी कंफ्यूजिंग है वर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों चीजें सिपैलिटी भी कहते हैं अगर आप चैप्टर का नाम देखोगे तो चैप्टर का नाम है द म्यूनसिपैलिटीज ठीक है तो अभी यहां पर जब म्यूनसिपाली पढ़ रहे हो तो तुम समझ लो ये तीनों के बारे में बात हो रही है दो स्पेसिफिकली मुंसिपाली बीच वाला सेकंड नंबर की जो मुंसिपैलिटी होती है उसको स्पेसिफिकली कहा जाता है फर्स्ट नंबर पर मुंसिपल कॉर्पोरेशन नाम बदल दिया गया है हवेवर ऑल थ्री आर अ टाइप ऑफ अ अंसिपैलिटी ओके कंफ्यूज नहीं होना है मुंसिपैलिटीज़ में स्पेसिफिकली उन लोगों को स्टेट लेजिस्लेचर ऐड कर सकता है जिनके पास नॉलेज हो एक्सपीरियंस हो मुंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का विदाउट द राइट टू वोट ये समझ रहे हो ना कि मुंसिप अर्बन एरियाज को मैनेज करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से काम नहीं चलता तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो ऐसे लोगों को ऐड कर सकता है जो कि अर्बन एरियाज को एडमिनिस्टर कर चुके हैं मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी उस एरिया के जहां पर भी वो मुंसिपलिटी बनी है अगर वहां का जो कोई लोकसभा का मेंबर है या फिर एमएलए है कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी उसका पार्ट बन जाएगा म्यूनसिपैलिटी का मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर उस म्यूनिसपल एरियाज में कोई राज्यसभा के मेंबर है या फिर विधान परिषद के मेंबर है उनको भी ऐड किया जा सकता है चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी अदर देन वार्ड कमेटी वार्ड कमेटी के अलावा भी कुछ लोगों के जो चेयरपर्सन है नॉट एन इश्यू बट ये सिंपल बस बट ध्यान रखना आएगा नहीं आपके पास लेकिन ये उसमें इस प्रकार का सिस्टम नहीं है hmm. वार्ड कमेटी क्या होता है देर शेल बी कंस्टीट्यूटेड कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर वार्ड तो देखिए इस प्रकार से सिस्टम काम करेगा लेट सी दैट अब किसी एक एरिया में म्युनसिपैलिटी बनानी है ठीक है हमें यहां पर बनानी है म्यूनसिपैलिटी एक शहर की म्यूनसिपैलिटी बनानी है शहर काफी बड़ा एरिया होता है हम अमेज कर रहे हैं कि उस शहर के अंदर सात आठ लाख लोग हैं ठीक है छह सात पांच लाख कितना भी सोच लीजिए पांच लाख लोग हैं तो हम क्या करेंगे उस स्टेट को अलग अलग वार्ड में डिफाइन कर देंगे वार्ड नंबर वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन वार्ड नंबर एट वार्ड नंबर नाइन वार्ड नंबर फोर्टी वार्ड नंबर फोर्टी वन और वार्ड के इलेक्शन होंगे ठीक है वार्ड के इलेक्शन होंगे इन सब से क्या होगा काउंसिलर

ठीक है फुल मुंसिपालिटी चालीस लोगों की है चालीस लोगों के अलग अलग इलेक्शन हुए एक एक वार्ड से वार्ड से बनके वार्ड से कौन हिट कर आ, कौन हो रहा है? है? तो टोटल बंदे हो गए चालीस काउंसिलर इलेक्ट कर दिए वो के मेंबर है अब उनमें से वार्ड कमेटी बनाई जाती है डिपेंडिंग ऑन दस पंद्रह एक दो तीन कमेटी के हिसाब से विद इन दल एरिया ऑफ हैविंग पॉपुलेशन ऑफ मुंसिपालिटी और मोर ठीक है इसकी कमेटी का वार्ड कमेटी की एक सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है तीन लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए राइट right? कुछ बड़े टाउन टाउन हमारा दिल्ली 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 का देखिए कितना हो गया में से दो करोड़ की है से दो करोड़ की है। तो जैसे ही जिस भी एरिया में तीन लाख से अधिक लोगलेचर तो में वार्ड कमेटी मैनर right? किस प्रकार से वार्ड कमेटी फिल होगी ये स्टेट लेजिस्लेचर अपने अपने तरीके से बनाता रहता है जो भी चीज यूनिफॉर्म है इंडियन में दोनों सेम कॉन्सेप्ट टोटल नंबर ऑफ सीट आर रिजर्व फॉर दुम और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की प्रोपोर्शन में बेसिकलीज में सीट रिजर्व होती है कोई सफक टेंशन की बात नहीं है ड्यूरेशन क्या होती है जैसे हमारी पंचायत्स हैं उसी प्रकार से म्यूनसिपैलिटीज होती हैं पांच ईयर का टर्म होता है इट कैन बी डिजॉल्व बिफोर द कंपल्शन और फ्रेश इलेक्शन होने कैसे होते हैं पहले तो इसके इलेक्शन पांच साल खत्म होने से पहले हो जाने चाहिए लाइक द लोकसभा लाइक द विधानसभा सेम कॉन्सेप्ट है सबके लाइक like द पंचायत ऑल्सो सबका पांच साल का इनका है टर्म होता है और कोशिश की जाती है कि पांच साल इनका टर्म खत्म होने से पहले पहले इलेक्शन हो जाए राइट right? दो 2014 मई में एनडीए गवर्नमेंट बनकर आई थी अब उसकी लोकसभा जो एनडीए जो 2014 की लोकसभा थी उसका टर्म था पांच साल का यानी कि खत्म होना था 2019 मई में ठीक है लेकिन इलेक्शंस कब स्टार्ट हो गए मार्च अप्रैल में ताकि मई 2019 में जब पांच साल का टर्म खत्म होना उससे पहले हम नई लोकसभा चुन ले अब हमने नई लोकसभा चुन ली अब जो दो की मई की दो मई में जो लोकसभा चुनी है इसका टर्म कब खत्म होगा इसका टर्म खत्म हो रहा है मई दो में ठीक है

को डिजोल्व कर दिया गया किसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है तो छह महीने के अंदर 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 कर दिया भाई अब महीने के इलेक्शन अंदर -अंदर करा दो हाँ सवाल यह है अगर रिमेनिंग टर्म सिर्फ महीने महीने का का ही बचा, महीने से कम का बचा तो फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती है ठीक है दूसरे वाला इट इज नॉट बी नेसेसरी टू होल्ड फॉर सच न्यू पीरियड अच्छा म्यूनसिपैलिटीज में और हमारे जो पंचायती राज के इंस्टीट्यूशन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्पेसिफिक बात है क्या जब इलेक्शंस होते हैं सपोज करो कि भाई एक सिपैलिटी को या फिर एक ग्राम पंचायत को दो साल के बाद डिजोल्व कर दिया गया ठीक है अब छह महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराने इलेक्शन करवा दिए अब जो नेक्स्ट जो नई मुंसिपालिटी और जो नई ग्राम पंचायत है जब वो बनती है तो वो पांच साल के लिए नहीं बनती वो रिमेनिंग टर्म के लिए बनती है यानी कि जब सिर्फ तीन साल या फिर बदले से इलेक्शन छह महीने और छह महीने हो इलेक्शन होके तो ढाई साल के लिए वो बनेगी ये विधानसभा या लोकसभा पर अप्लाई नहीं होता है अगर विधानसभा डिजॉल्व हो जाए और नए इलेक्शन होकर नई विधानसभा बने लोकसभा डिजोल्व हो जाए और नए इलेक्शन होकर नई लोकसभा बने वेल well, देन उनको पूरा पांच साल का टर्म मिलता है वेर इज इन म्यूनसिपैलिटीज एंड इन द पंचायती राज के जो भी थ्री टीयर स्ट्रक्चर है अगर वो बीच में डिजोल्व हो जाते हैं तो उनको पूरा टर्म नहीं मिलता सिमिलरली लाइक द पंचायती जो पंचायत का थ्री टीयर है जिला पंचायत इंटरमीडिएट और ग्राम पंचायत उनके इलेक्शन कराता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन और इसका यही काम है अर्बन एरियाज में बेसिकली म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन कराता है सुपरिनटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन शेल बी वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन ठीक है और जो भी प्रोसेस प्रोसेस होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर अपनी मर्जी से बना सकते हैं इसमें कोई समस्या नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर मे एंड डाउ द मुंसिपालिटीज विथ सच पावर एंड अथॉरिटी जो कि जरूरत है उनको सेल्फ गवर्नमेंट करने के लिए सिमिलरली ये वही वाला फंडा है हमारे पास कि जो हमारे सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है कुछ तो कंपल्सरी प्रोविजन है और कुछ वॉलंट्री है कंपल्सरी का मतलब भाई होने चाहिए तीनों इलेक्शन होने चाहिए पांच साल में होने चाहिए थ्री टीयर स्ट्रक्चर बनाओ आप सिमिलरली यही है मुंसिपालिटीज का अर्बन पे जो भी अर्बन एरियाज स्टेटूटो टाउन नोटिफाइड है वहां पर मुंसिपाली या मुंसिपल कॉपोरेशन या नगर पंचायत होगी ही हो होगी पांच साल में इलेक्शन होंगे दे आर कंपल्सरी वॉल्ट्रली क्या है पावर्स और अथॉरिटी क्या क्या देना चाहते हो वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है दे कैन गिव इट प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस ये मुंसिपैलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस बट दे डू इसीलिए तो बनाए गए हैं कि जो उस शहर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के प्रोग्राम्स हैं उनको डेवलप किया जाए उनको इंप्लीमेंट किया जाए थ्रू द मुंसिपैलिटीज इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इनजस्टिस एज में इंटरेस्टेड इंक्लूडिंग दो इन रिलेशन टू द 18 मेथड्स रिलेटेड टू दिस बार शेड्यूल आ जाता है जिसमें वो 18 मैटर दिए गए हैं जिनको इंप्लीमेंट करना गवर्न करना म्यूनसिपाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे उनको कितनी पावर देती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी चॉइस दी गई है फाइनली फाइनेंसिस की बात आ जाती है लाइक द पंचायती राज सिमिलरली म्यूसिपालिटी के पास ऑप्शन होता है लिवाई करने का कलेक्ट करने का टैक्स ड्यूटी स्टॉल फी उसके बाद एक असाइन स्टेट गवर्नमेंट असाइन कर सकती है उनको और उसके बाद ग्रांट इन एड्स मिल सकती है उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से एंड प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनी द म्यूनसिपाली यही तीन सेम टू सेम चीजें हमने पंचायत के कॉन्सेप्ट में भी देखी थी पंचायत भी कैसे तीन प्रकार के फाइनेंसिस हैं उनके पास राइट right? सबसे पहला खुद टैक्स लिवाई किया कलेक्ट किया यूज कर लिया सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट कुछ कलेक्ट करती है और थोड़ा सा उनको दे दिया असाइन कर दिया उनको कि आप भी ले लीजिए एंड द थर्ड स्पेसिफिकली ग्रांड स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट कर दिया कि ये लीजिए आप आपको कुछ हम दे देते दे हैं एक्स्ट्रा जरूरत पड़ने पर एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट जो कि उसमें है फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के दोनों काम है राइट स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है पंचायती राज के इंटीट्यूशन कर रहा के करता है एंड द सेम थिंग इज डूइंग विद द फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियस के बारे में करता है सेम म्यूनसिपालिटी के बारे में करता है कि भाई स्टेट के पास जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें से कितना म्यूनसिपैलिटीज को दे ठीक है नेट प्रोसीड टैक्सेज ड्यूटीज स्टेट एलोकेशन ऑफ एट ऑल लेवल्स पंचायत को भी करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीज टॉल्स दैट मे बी असाइंड टू ड्यूटी म्यूनसिपैलिटीज ग्रांट इन एड कितने देने हैं और फिनेंशियल पोजिशन ऑफ म्यूनसिपालिटी को बढ़ाने के लिए आर्टिकल टू एटी जो है वो एक हमारा फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है कि हम प्रेसिडेंट हर पांच साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाता ही बनाता है और उसको एक एजेंडा दिया है कि क्या क्या करना है उस का काम। उसका main, जो हमारा कि सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ठीक है और सीरियस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट फाइनेंस कमीशन दिस इज नॉट स्टेट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए ठीक है स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट फाइनेंस कमीशन एग्जैक्टली उसी के में काम करता है उसकी में नेशनल के ये बताता है कि स्टेट और पंचायत या स्टेट और मुंसी के बीच में कुछ रेवेन्यू शेयरिंग कैसे हो सकती है और पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज कैसे किन बेसिस पर उनको असाइन किया जाए रेवेन्यू या उनको कौन कौन सी ग्रांट इन एड दी जाए दिस इज डन बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन जो पैरल है इनके नेशनल फाइनेंस कमीशन से इनके जो रिलेशन है वो पैरल है अच्छा यहां पर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज ग्राम जो ये है सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है बट प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कुछ भी एक्सेप्शन या मोडिफिकेशन जरूर पड़ देता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है फिफ्थ और शेड्यूल एरिया पर ये अप्लाई नहीं होता है फिफ्थ एंड द दिक्सथ शेड्यूल एरिया जो है उनके ऊपर नहीं होता है फिफ्थ एरिया से तो आपको पता ही चल चुका है कि उसके ऊपर तो सेवेंटी लगेगा ही नहीं उसमें तो सेवेंटी हमने एड किया है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया ठीक है और छठे वाला दोनों से बचा हुआ है ना सेवेंटी थर्ड न तो सिक्स शेड्यूल एरिया में चार स्टेट आती है बताओ कौन कौन सी है चार स्टेट ए एम एम टी कुछ तो याद करके बताओ अब चारों में से कौन कौन सी है अब उन चारों स्टेट्स में से जो सिक्स शेड्यूल के उस पर ना सेवेंटी थर्ड लगता है ना सेवेंटी फोर्थ लगता है फिफ्थ शेड्यूल पर भी दोनों नहीं लगते हैं ये बात ध्यान रखिएगा लेकिन फिफ्थ शेड्यूल के लिए अलग से पेशा एक्ट बनाया गया है और पेसा एक्ट का मतलब पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट टू शेड्यूल एरिया परफेक्ट याद रखना वाली बात अच्छा मतलब ऐसी चीजें हैं ये ये वाली चीजों पे प्री का क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए ठीक है एक्ट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज इन डज नॉट अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल हाँ जरूरत पड़े पार्लियामेंट में एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट टू शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरिया जरूरत पड़ने पर इसके लिए कुछ नहीं बनाया भाई पैसा का अपोजिट क्या बढ़ेगा मेसा है ना मुंसिपैलिटी एक्सटेंशन एक्ट टू द शेड्यूल एरियाज हैज नॉट बीन डन है पेसा किया हुआ है गांव वाला किया हुआ है अर्बन वाला नहीं किया हुआ इट्स एज सिंपल एज दैट इसमें हम स्पेसिफिकली एक चीज हमारे लिए पढ़ने के लिए रहेगी कि आठ टाइप के अर्बन बॉडीज कौन से होते हैं अर्बन एरियाज या अर्बन लोकल बॉडीज के हैं। जो कि हम लेक्चर नंबर फिफ्टी टू में करेंगे ही करेंगे एज आई रिपीटेड एज आई सेड इन द बिगनिंग द लेक्चर फिफ्टी वन और द स्टेप फिफ्टी वन ऑफ द जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन रीजन बिंग फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स योर पास्ट इज लॉन्गर देन योर फ्यूचर मतलब कि एक आउटस्टैंडली साइकोलॉजिकल जोग्राफिकल फिजिकल एक इंटरेस्टिंग माइल स्टोन कवर हो गया है इन द जर्नी विल स्टार्ट विद द सेक्टर लेक्चर फिफ्टी टू ऑन द म्युनसिपैलिटीज पार्ट टू वो खत्म हो जाएगा उसके बाद एंड देन फ्रॉम ऑन हम अपने आगे उसके इसको आगे बढ़ाएंगे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए आई शेयर द पीरियड्स ऑफ द पॉलिटी एंड अदर करंट अफेयर्स फ्राम दिस हाव एवर इफ यू हैव सम क्वेश्चन पर्टेनिंग टू एनी करंट अफेयर और एनी पॉलिटी क्लास देर आर सो मैनी सोशल मीडिया द प्रेफरेबल वॉन इज ट्विटर यहाँ पे प्रॉब्ली रिप्लाई मिलने की ज़्यादा संभावना है आई एल सी यू इन फिफ्टी टू